विषय पर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए और नुक्कड़ नाटक का आनंद उठाइए। है बच्चे, बूढ़े और जवान, मिलकर लेते हैं आनंद और देते संदेश राष्ट्र के नाम। जन भागीदारी, जन भागीदारी। आ गई, बाढ़ आ गई, सरकार कहाँ है? सरकार को बुलाओ। अरे पन्ना है, सरकार किधर है? सरकार को बुलाओ। हे भगवान, सूखा पड़ गया, सरकार नहीं आई। सरकार को बुलाओ, सरकार को बुलाओ। अरे दुर्घटना हो गई, हमने सरकार को गुहार लगाई। सरकार को बुलाओ, सरकार को बुलाओ। मैं चल नहीं पाया क्योंकि सरकार का सहयोग नहीं था पाया। क्या हुआ दोस्त, आज आप कौन सा संदेश लाए हो? जन जन को जन भागीदारी से अवगत कराना है, जन जन में उत्साह जगाना है। कर उसे ही नहीं, कर तुम भी उसे भी सबको अवगत कराना। जन भागीदारी, जन भागीदारी का क्या होता है भाई? प्रशासन, प्रशासन, प्रशासनिक प्रक्रिया में लोगों का सहयोग जन भागीदारी कहलाती है। तब सत्ता के सिद्धांत को आधार बनाती है। प्रशासन और विकास में जन भागीदारी अहम भूमिका निभाती है। सम्मान हितों को बढ़ाने के उद्देश्य से सक्रिय लोग आगे आते हैं। हितों को पूरा करने के लिए ये समूह प्रशासन में दबाव बनाते हैं। कभी कभी समूह हड़तालों से भ्रष्ट रास्ते अपनाते हैं। सरकार कहाँ है? सरकार कहाँ है? सरकार को बुला, सरकार को बुला। जन भागीदारी प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी बनकर दिखाते हैं। जन भागीदारी का विचार हर दिल में जगाना है। देश को शिखर पर ले जाना है तो जन भागीदारी का रास्ता अपनाना है। कभी किसी भी अन्याय को अनदेखा मत करो, मत करो, मत करो। तो हमें देश की प्रगति के लिए क्या करना चाहिए? नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, सरकार को बात पर नहीं बुलाएंगे। जन भागीदारी का पथ हम सब बनाएंगे। पर्यावरण को अगर बचाना है, प्राण वायु का आनंद उठाना है। सार्वजनिक परिवहन अगर अपनाओगे, पैदल या साइकिल पर ही जाओगे, प्रदूषण नियंत्रित आप अवश्य कर पाओगे, अवश्य कर पाओगे। चर्चा ले जाना है, ले क्षेत्र में अपनाना है हमें।